एक अमीर बुढ़िया की आंखों की रोशनी चली गई। वह एक वैद्य के पास गई और उसे अपना इलाज करने के लिए कहा। मुझे तुमसे क्या मिलेगा? वैद्यराज, मेरे पास बहुत कुछ है, आप चिंता ना करें। अगर मेरी आंखें ठीक हो गई तो मैं आपको उचित इनाम दूंगी, परंतु यदि मुझे दिखाई नहीं दिया तो मैं आपको कुछ नहीं दूंगी। ठीक है, मुझे मंजूर है, मैं कल से आपके घर आकर इलाज शुरू कर दूंगा। वैद्य ने इलाज तो शुरू किया, परंतु उसके घर पड़े अच्छे साजो सामान से उसमें लालच आ गया। बुढ़िया को दिखता तो था नहीं, उसने घर से एक एक कर सारा सामान चुरा लिया। अब तो उसने बुढ़िया के घर जाना ही छोड़ दिया था, परंतु भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अचानक बुढ़िया की आंखें एक दिन ठीक हो गईं। उसने पिछवाड़े में दबा हुआ धन निकाला और फिर उसी तरह बढ़िया जिंदगी जीने लगी। वैद्य ने तो समझा था बुढ़िया का सारा धन जेवर व लूट चुका था, अब उसके पास बचा ही क्या होगा। परंतु जब उसने उसी तरह उसकी पुरानी शानो शौकत देखी तो राज दरबार में उसकी शिकायत कर दी। राज दरबार में बुढ़िया ने माना। मैंने कहा था कि मेरी आंखें ठीक हो गई तो मैं वैद्यराज को इनाम दूंगी, परंतु मुझे तो कुछ दिखाई ही नहीं दिया, तो इनाम काय का? परंतु महाराज, आप ही कहें, जब मैंने आंखें खोई तो मेरा घर फर्नीचर और साज सज्जा के सामान से अटा पड़ा था, परंतु जब मेरी आंखें ठीक हुई तो मुझे मेरे घर में कुछ भी नहीं दिखा। जब मुझे कुछ भी नहीं दिखा, यहाँ तक कि एक बर्तन भी नहीं दिखाई दिया, तो ये कैसे कह सकते हैं कि मेरी आंखें ठीक हो गई हैं? अगर ठीक हो गई हैं, तो मेरा सारा सामान कहाँ है? राजा ने बुढ़िया को छोड़ दिया और वैद्यराज से उसका सारा सामान लौटाने का हुक्म दिया। बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, जैसे को तैसा ही मिलना चाहिए।